हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। और ऋषिकेश की इन प्यारी सी शांत भरी सुकून भरी गलियों से निकलते हुए मैं आज आपको ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक का कंप्लीट हाईवे का जो चार धाम रास्ता है उसके बारे में पूरी अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का काम हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आराम से बैठिए और आनंद लीजिए इस वर्चुअल यात्रा का। तो इस समय समय हो रहा है करीब सुबह के 6:30 बजे और हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। और सुबह निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आसपास की जो हवा है वो काफ़ी शुद्ध, साफ़ और काफ़ी रिफ्रेशिंग मिलती है। और जो जगह अभी हम यहाँ पे हैं, इस जगह को बोलते हैं लक्ष्मण झूला। काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और यहाँ पर टूरिस्ट का जितना ज़्यादा जमावड़ा रहता है उतना ज़्यादा पूरे ऋषिकेश में कहीं नहीं रहता होगा। अब इस हाईवे की खास बात ये है कि यहाँ पे पहले सिंगल लेन हाईवे हुआ करता था जहाँ की बहुत ज़्यादा जाम वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ऑल वेदर के काम में इसको इतना बढ़िया बना दिया गया है डबल लेन कि अब आपको जाम वगैरह से कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और इतना बढ़िया तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया गया है कि बस बहुत अच्छे लेवल का कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी उत्तम दर्जे का काम इस ऑल वेदर वाले प्रोजेक्ट में हुआ है। और अब ये सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगी। एक्चुअली इस हाईवे की खास बात ये है कि अब आप यहाँ पे एवरेज स्पीड 60-65 रख सकते हैं और काफ़ी इजीली आप इस पे अपने व्हीकल को भी कंट्रोल कर पाएंगे एक बढ़िया स्पीड से। तो इस वजह से होता है क्योंकि अब रोड जितनी ज़्यादा अच्छी बनेंगी आपका ट्रैवल टाइम उतना कम होगा, आपकी जो रीच टाइम है अराइवल टाइम वो और भी कम हो जाएगा। तो इससे हर चीज़ में फ़ायदा होता है, चाहे आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लो या फिर टाइम बचाने की बात हो, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। और अब सामने है ब्रह्मपुरी जाने का रास्ता और यहाँ से मतलब ये ब्रह्मपुरी वाला इलाका और यहाँ से गरुड़ चट्टी जाने के लिए रास्ता है। गरुड़ चट्टी से आप नीलकंठ, उसके आगे और उधर जितना सारा कैंपिंग का एरिया है वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी फेमस कहावत है अंग्रेजी में कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की जो रिचनेस है या फिर गरीबी है वो उसकी रोड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर रोड्स अच्छी होंगी तो कंट्री जो है वो अच्छी प्रोग्रेस करेगी। अभी सुबह के करीब करीब 7 बजने वाले हैं बट अभी भी सनराइज नहीं दिख रहा है, शायद इन पहाड़ों के पीछे धुंध भरी घाटियों में छिपा हुआ है, थोड़ा इंतजार करा रहा है ताकि मैं आऊं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखराऊं। शिवपुरी में आपका स्वागत है। शिवपुरी करीब 15 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से और यहाँ पे आप ऑयल वगैरह रिफ़िल करवा सकते हैं अगर आपकी गाड़ी को चाहिए। और यहाँ पे एक वेरी फेमस बड़ा सा कर्व है जो कि एक जेड टाइप का कर्व है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ये पहले तंग रहता था और इस पर काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे, लेकिन अब ऑल वेदर के चलते इसको भी काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। और ये मेन शिवपुरी मार्केट की एक बाईपास रोड है जो ऊपर से होके जा रही है, जो कि बीच सेंट्रल जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं उससे होके नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। आपको पता ही है शिवपुरी में काफ़ी ज़्यादा राफ्टिंग के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से उन्होंने नीचे वाली जो रोड है उसको डाइवर्ट करके ऊपर बना दिया गया है एक डाइवर्जन तरीके से। तो एक बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि यार इतना कम यहाँ पर ट्रैफिक क्यों दिख रहा है। तो एक्चुअली ये वीडियो मैंने होली के दिन पे शूट करी है जिस दिन बड़ी होली थी, और उस दिन तो आपको पता ही है कि गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। हालांकि मुझे सरकारी गाड़ियाँ ज़रूर दिखी, जैसे रोडवेज़ वगैरह की बस थी वो तो जा ही रही थी, और ये बाकी सारी चीज़ें कम ही ट्रैफिक है वैसे।
और अब आगे एक ब्रिज लग रहा है जिसने करीब करीब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कम कर दिया है और करीब 101 मीटर में उसको कंक्लूड कर दिया है। ये पुल बनते बनते एक बार टूट गया था तो इसको दोबारा उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा। शायद मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा पहले कि किसी वीडियो में। अभी एक और सरप्राइजिंग बात ये है कि जितने सारे ब्रिजेस इस पूरे ऑल वेदर प्रोजेक्ट में नए बने हुए हैं उन सब ने ऋषिकेश से श्रीनगर के डिस्टेंस को करीब करीब 5 से 7 किलोमीटर तो कम कर ही दिया है, क्योंकि आपको पता है बिना ब्रिज के रोड्स पूरी डाइवर्ट होके जाती हैं, पूरा कर्व वगैरह डाल के जाती हैं, तो ब्रिजेस होने से अब वो काफ़ी अच्छे सीधे तरीके से जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर दिया गया है। और अब एक वेरी फेमस वायडक्ट से होके हम जा रहे हैं और ये आपको मैंने इसके बारे में बताया भी था, ये बहुत बड़ा एक वायडक्ट है, ब्रिज समझ लीजिए। वायडक्ट होता है जो वैली साइड लगता है जिसके नीचे कोई भी वाटर बॉडी नहीं होती है, और ब्रिजेस होते हैं जिनके नीचे वाटर बॉडीज़ होती हैं। तो ये ब्रिज बहुत अच्छी इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो इस वीडियो के बाद आएगी आपको देखने के लिए। तब तक आप ऊपर ऊपर से इसका व्यू देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके का ये लगता है। और फाइनली अब सनराइज हो चुका है और आसमान पर एक चमकते हुए बिंदु की तरह नजर आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भर दे रहा है। और जो जो व्यक्ति भी सुबह सुबह जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो एक आशा की किरण है, क्योंकि भाई धूप, प्रकाश, उजाला, जिसे भी कुछ भी बोलो आप, ये सब के सब एक नई ऊर्जा, उमंग आपके शरीर में भर देते हैं। ब्यासी पहुंच चुके हैं और ब्यासी में आपको सबसे पहले ये रेलवे का जो काम है उसका बाउंड्री लाइन आपको सारी दिख रही है यहाँ की। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे टनल्स वगैरह का काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल पे, हाई लेवल पे काम चल रहा है। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा जब मैं अगली बार जाऊँगा, तो वहाँ पर कम्प्लीट आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यासी के बाद पड़ता है कोडियाला। कोडियाला से आगे हम निकल चुके हैं और ये ऊपर रोड पे जो ब्लैक टॉप है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और साथ में चलती हुई पहाड़ की लाइफलाइन उत्तराखंड रोडवेज, जिसने कि पहाड़ का पूरा जिम्मा उठा रखा है अपने कंधों में। हालांकि प्राइवेट बस कंपनियाँ जितने भी हैं वो भी काम करती हैं, बट जो रोडवेज की बात है वो अलग ही है। मतलब जिस डिस्टेंस को कोई भी बस, कोई भी प्राइवेट कंपनी की बस 2 घंटे में ट्रैवल करेगी, वो इसको रोडवेज वाले इसको करीब 1.5 घंटे से कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड ड्राइवर्स हैं। धीरे धीरे अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और श्रीनगर से हमारा जो मेल मिलाप है वो और कम होता जा रहा है। यहाँ से श्रीनगर करीब करीब आपके 70 किलोमीटर बचा होगा, आई गेस 60 to 70 किलोमीटर बचा होगा। किसी एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिल में क्या रखा है, सफ़र खूबसूरत होना चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है, मंजिल भी खूबसूरत है, सफ़र भी खूबसूरत है, और जिस चीज़ पे हमें सफ़र कर रहे हैं वो भी खूबसूरत है, यानी कि जो रास्ता है, रोड है, ऑल वेदर रोड। ये जो ऑल वेदर वाला प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी नई शेप देने वाला है उत्तराखंड को। और साथ में जो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो पूरा सिस्टम है, ये काफ़ी अच्छा शेप और प्रगति, विकास ये पूरे उत्तराखंड स्टेट को देने वाला है, क्योंकि इस साइड के, गढ़वाल साइड के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी जिले हैं सॉरी, तो उन सब में उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी पहले, जिसको कि अब करा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट का ये प्रयास सराहनीय है, और जो चीज़ अच्छी होती है यार उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, और जो चीज़ ख़राब होती है उसको बिना क्रिटिसाइज़ करे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिसाइज़ करने से ही जो चीज़ें हैं उनमें सुधार आता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिन्हें मैंने हल्का फुल्का क्रिटिसाइज़ किया था, किसको, रोड्स को, कि यार जब तुम बना ही रहे हो इतना सारा तो ये भी ठीक करना चाहिए था, ये भी ठीक करना चाहिए था, तो लोगों को पसंद आया नहीं हो, उन्होंने बोला कि आप तो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो खैर वो भी अलग बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो दोस्तों अभी हम द वेरी फेमस तोता घाटी पे पहुंच चुके हैं और तोता घाटी में अब आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखने वाला है कि जिसको कि आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है।
या फिर यहाँ पे और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा काटेंगे तो फिर से वो वही सिनेरियो हो जाएगा जो पिछले साल हुआ था जब इसको बनाते हुए सब लोगों ने फेस किया था, जितनी सारी कंपनियाँ थी उन्होंने फेस करा था कि कैसे इसको बनाया जाए, क्योंकि जितना इसको काट रहे थे उतना उसको वो ऊपर से टूटता जा रहा था। तो अब इतना ही काम है यहाँ पे और बहुत शानदार काम हुआ है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। और अब हम लोग साकनीधार की तरफ आ चुके हैं। साकनीधार एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे जब तक कि यहाँ पे जो ऊपर की साइड है उसको अच्छे से स्टेबल नहीं किया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा, इस जगह पे बस की बस पूरी नीचे चली जाती थी घाटी की साइड, पहले की साइड, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, लोगों के जान माल का नुकसान होता था। तो अब वो अच्छा कर दिया गया है। ये देखिए ऊपर जितना भी आपको ये काला काला दिख रहा है, लाइटिंग की वजह से सही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा स्टेबल्ड है और इस पर कॉन्क्रीट लगा के, इस पर वायर्स वगैरह लगा के, जाली बना के इसको अच्छा बनाया गया है। तो दोस्तों साकनीधार से नीचे निकलते ही पड़ता है बछेली खाल वाला इलाका, और यहाँ पे कुछ अजीब सी घटना हुई, क्योंकि यहाँ पे बादल इतना भयंकर घने तरीके से लगे हुए थे कि पहले तो हमें लगा कि आग वाग लग गई है, कहीं धुआं वहाँ निकल रहा है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये धुंध है, बादल हैं जो कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेवनली लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अब ये सीन देखिए, ये क्या गजब लग रहा है, ऊपर की तरफ बादल उड़ रहे हैं और उसमें से रास्ता जा रहा है नीचे। तो विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, करीब करीब 10 मीटर की विजिबिलिटी बची हुई थी, तो इसलिए सबके सब हेडलाइट्स वगैरह लगा के ही जा रहे थे। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बादलों के अंदर घुसना पड़ रहा है। तो बड़ा ही विचित्र था ये, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब। तो इसके बाद क्रॉस कर दिया है द वेरी फेमस तीन धारा, और इसके बाद सीधे आपको अगले दिन जो कि मैंने इसी में ऐड करा हुआ है उसमें मिल रहा हूँ। तो ये है इलाका आपका बागेश्वर का, जहाँ पे है शिव जी की मूर्ति, और इस समय हो रहा है करीब करीब 4, शाम के 4 बज रहे हैं, और बीच में ये लीप इस वजह से पड़ा क्योंकि मैं घर चला गया था, यहीं पर इसी साइड में मेरा घर भी पड़ता है। तो अभी हम उस इलाके में हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था, लेकिन अब ये जगह भी ठीक ठाक हो चुकी है, और मतलब इसी पोर्शन को करीब करीब ये 100 मीटर के पोर्शन को ही एक अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, बाकी इस जगह पे कुछ भी काम अब रिमेनिंग नहीं है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, करीब 20 मिनट का वीडियो बनाया था करीब 6 महीने पहले, जब बारिश का टाइम था, तो उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और चलते चलते कई सारी गाड़ियों पर ऊपर से पत्थर गिरे थे। वैसे छोटे मोटे पत्थर तो ऊपर से गिरते ही रहते हैं अभी, जब तक कि इस रोड को, नई कटी हुई रोड को बन के करीब 5 साल नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसकी स्टेबिलिटी को सही नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ऊपर से पत्थर ढीले होते रहते हैं और उन पर जब पानी गिरता है फिर वो सूखता है पानी, उसके बाद खाली वॉइड जो बनता है उसकी वजह से वो नीचे गिरता रहता है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, इस जगह को सुधारने की प्रयत्न सब चल ही रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सारे प्रयत्न जो हैं धरातल पे आपको आके दिखे। और अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग के मार्केट से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूं, क्योंकि पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारियाँ भी बहुत लोग मांगते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे आपको पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि लंबे डिस्टेंसेस लोग ट्रैवल करते हैं इन रोड्स पर इस वजह से। देवप्रयाग पहुंचने से करीब करीब 500 मीटर पहले आपको एक रास्ता पौड़ी गढ़वाल जाने के लिए भी मिल जाता है, पौड़ी शहर के लिए, और पौड़ी गढ़वाल के जितने सारे छोटे मोटे शहर हैं जैसे सतपुली हो गया और पौड़ी मेन पौड़ी हो गया, घुड़दौड़ी हो गया, इन सभी जाने के लिए रास्ता है जो अभी आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ से करीब करीब पौड़ी 40 किलोमीटर पड़ता है,
घुड़दौड़ी भी करीब करीब 30 किलोमीटर्स पड़ता है और सतपुली यहाँ से करीब करीब 45 किलोमीटर पड़ता है। और अभी आप सामने देख रहे हैं द वेरी फेमस गंगा नदी का संगम स्थल, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। और इस जगह का नाम है देवप्रयाग, देवों का प्रयाग। कभी संगम स्थली का आपको दर्शन करने हैं तो ज़रूर आइएगा देवप्रयाग में। यहाँ पे हर तरीके की सुविधा आपको उपलब्ध मिल जाएगी, क्योंकि मुझसे काफ़ी पहले लोगों ने कुछ पूछा था वो ये कि यहाँ पे रहने का क्या सीन है, किस प्रकार का यहाँ पे होटल लॉज वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जितनी सारी चीज़ें आपको एक रहने खाने की सुविधा होती ही है। और यहाँ से जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है ये जाता है गजा टीरी वाला रास्ता, और यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर्स के करीब करीब गजा पड़ जाएगा। एक डाइवर्जन रूट है ये भी, जब ये नेशनल हाईवे 58 जिस पर कि हम चल रहे हैं ये बंद होता है, तो उसी वाले डाइवर्जन रूट को लेकर आप टिहरी से होते हुए श्रीनगर जा सकते हैं, श्रीनगर से आगे फर्दर जा सकते हैं और वहाँ से ऋषिकेश का भी रूट ले सकते हैं। सो दिस प्लेस इज़ द वेरी फेमस देवप्रयाग हेयर पिन बैंड, जिसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये भागीरथी नदी का एक नज़ारा ले लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो इस बैंड को बनते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बन चुका है, और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त इस पर इंजीनियर्स को, वर्कर्स को करनी पड़ी है, और जो कि काफ़ी मुझे लग रहा है फ्रूटफुल रहा है। अब बाकी देखते हैं किस तरीके से इसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ऋषिकेश से जब आप देवप्रयाग तक पहुंचते हैं, रोड बहुत कर्व्ड है, काफ़ी ज़्यादा बैंड्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन देवप्रयाग से श्रीनगर तक आपको कर्व्स कम मिलेंगे और बाकायदा कर्व्स के आपको सीधी रोड ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी एक सरप्राइजिंग बात है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है ऊपर की तरफ। और मुझे लगता है कि रोड ज़्यादा चौड़ी हैं ऊपर की साइड पर रादर देन नीचे वाली साइड। और अभी हम जिस जगह पे पहुंच रहे हैं वो है मूल्य गांव। ये जगह अपनी कृषि वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती थी, और इस टाइम पे मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास उगते हुए देखा नहीं है। कुछ बच्चे क्रिकेट ज़रूर खेल रहे हैं इन्हीं खेतों में, अभी आपको दिख जाएंगे वो भी। ये बोर्ड लगा है पतंजलि सेवाश्रम का, जो कि रामदेव जी का एक सेवाश्रम है मूल्य गांव में, जिसके बारे में मैंने पता किया था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल काम जितने भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी कुछ करते हैं। और अब आ चुका है बागवान का इलाका। बागवान का इलाका काफ़ी ज़्यादा तंग रहता था, लेकिन ऑल वेदर के काम के चलते अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली चलना पड़ता है, क्योंकि लोग घूमते रहते हैं बेफालतू में सड़कों पे, मतलब बेफालतू भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो लाइन बनी होती है ना साइड की, एक्चुअली उसी के अंदर आपको वॉक करने की इजाज़त होती है, क्योंकि ये हाईवेज़ हैं, इन पे गाड़ियाँ स्पीड से चलती रहती हैं, बट लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, वो बीच रोड पर भी चल लेंगे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा शानदार व्यू आपको मिल रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद आंखों से देखने में अच्छा लग रहा था, तो कैमरा भी ठीक ठाक ही कैप्चर कर रहा होगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। बागवान के आगे पहुँच चुके हैं लछमोली। लछमोली में आपको एक ब्रिज एलिवेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे इस वाइड एंगल में तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे ज़रूर आपको दिख जाएगा। देखिए इसी वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था। इस ब्रिज के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन मैंने इसको दोबारा कवर करना है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी है। और ये लछमोली का इलाका है, काफ़ी बिजी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ध्यान से चलने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब पहुँच चुके हैं मलेथा, और मलेथा में आपको सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन का जो काम है वो दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा स्केल का काम है, और इस बारे में मैंने कोई डिटेल वीडियो बनाया नहीं है मलेथा के, स्पेशली मलेथा के बारे में, लेकिन ज़रूर बनाऊंगा जब भी टाइम आएगा।
कीर्तिनगर पे आ चुके हैं, कीर्तिनगर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से श्रीनगर सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे बसता है, क्योंकि बहुत कम माइन्यूट हम कह सकते हैं जिसको। सो कीर्तिनगर क्रॉस करने के बाद आपका श्रीनगर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। आपको जैसे कि पहले पता होगा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आता है, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में। तो यहीं तक है सफ़र, सफ़र को भी ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके बाद बैटरी हो चुकी थी डेड और कंप्लीट श्रीनगर तक का शूट हो पाया नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और अगली आने वाली वीडियोज़ के लिए आप नोटिफिकेशन बेल वगैरह ऑन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।